जो मेरे को पसंदीदा मेरी गाड़ी थी ना जो मेरे को बड़ा पसंद थी वो थी यार मेरे पास थी इससे पहले थी स्कॉडा सुपर थी मेरे पास okay. जिसमें शुरू के प्रैंक से आठ दस बारह प्रैंक मैंने उसी में किए थे तो वो मेरे को पर्सनली बहुत पसंद थी बट प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी सर्विस की कानपुर में उस टाइम स्कॉडा था नहीं तो वो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी उसके बाद फिर उसको बेचा फिर उसके बाद एक वेन्यू ली ऑटोमेटिक वेन्यू घर के लिए मेरे को एक चाहिए थी छोटी गाड़ी कॉम्पैक्ट फिर मैं स्कोडा में जाने वाला था बट स्कॉडा का उस टाइम पे हर गाड़ी का प्रॉब्लम चल रहा था कि आपको वो नहीं मिल रही थी डिलीवरी नहीं मिल रही थी क्योंकि कुछ चाइना से कुछ चिप का इशू आ रहा था लॉकडाउन के टाइम पे कुछ तो गाड़ियों की डिलीवरी नहीं मिल रही थी तो सिर्फ होंडा सिटी एक ऑप्शन था मेरे पास जो मुझे तीन दिन में गाड़ी मिल रही थी और उस टाइम में अपनी गाड़ी बेच चुका था तो मेरे पास गाड़ी थी नहीं और मुझे स्टूडियो अपने सुबह छः बजे निकलना होता है तो सर्दियां शुरू हो गई थी तो बड़ी हालत खराब हो रही थी कि कैसे मैनेज किया जाए क्या किया जाए तो फिर मैंने इस गाड़ी को उठाया था तो क्योंकि इसका कोई मेरे को नेगेटिव फीडबैक नहीं मिल रहा था इस गाड़ी का तो सब ने बोला कि यार आ, आ, कौन सा वो आ, वी, वी इंजन समथिंग कुछ इसका <laughs> आता है तो उन्होंने बोला कि यार वो इंजन है कभी प्रॉब्लम पंद्रह बीस साल से ऑलरेडी वही इंजन दे रही है गाड़ी और आ, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी तो फिर इस गाड़ी को जो है मैंने लिया और आ, अभी चला रहे हैं अच्छी अच्छी चल रही है बट एक एक प्लस पॉइंट मुझे इस गाड़ी का लगता है क्योंकि मैंने स्कॉडा चलाई हुई तो स्कॉडा सुपर मेरी आठ से ऊपर एवरेज नहीं जाता था हालांकि एवरेज कभी इतना मैटर किया भी नहीं क्योंकि इतना चलाना नहीं है गाड़ी को या तो मुझे बहुत गा, गाड़ी गाड़ी चलानी हो अब ये प्रांग के चक्कर में गाड़ी बहुत चलने लग गई है तो अब होंडा सिटी को जब मैं तेरह चौदह देते हुए देखता हूँ ना तो बड़ा हैरान होते तो, है तेरह चौदह का एवरेज भी कोई गाड़ी दे सकती है क्योंकि पेट्रोल में पेट्रोल में <laughs> तो लगता है कि नहीं यार गाड़ी गाड़ी है अच्छी मतलब टेंशन फ्री गाड़ी है इतना तो मेरे को रियलाइज हो गया स्कोडा में थोड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अगर कुछ हो गया उसको रस्ते में तो उसको हर कोई हाथ नहीं लगाता था तो बड़ी तो प्रॉब्लम हाँ तो वो बड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि यहाँ पे कोई था नहीं पे कोई देखने वाला नहीं था मैनेज करने वाला नहीं था ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम थी उसके बीच में मेरे जैसा आदमी स्कॉटा चलाने के बाद एक बार टाटा में भी कन्वर्ट हो गया था अच्छा नेक्सॉन मैंने बुक भी करवा दी थी, थी और नेक्सॉन मेरे को वेन्यू की जगह नेक्सॉन चाहिए थी तो जब मैं नेक्सॉन लेने गया तो यहाँ पर अपने एक शोरूम है अपने कानपुर में ही मेक रॉबर्टगंज में एक टाटा का शोरूम है अब प्रोडक्ट अच्छा है नो डाउट टाटा का मैं फैन हो गया था उनके प्रोडक्ट देखने के बाद चाहे वो सफारी हो चाहे है, हैरियर मेरे को पर्सनली बहुत पसंद थी फिर मैंने कहा नेक्सॉन लेते हैं यार एक बार ट्राई मार के देखते हैं बड़ा वो मेक इन इंडिया उस टाइम जैन में जाओ था मैंने कहा चलो दो महीने वेटिंग के बाद वो गाड़ी फाइनली आ गई वेन्यू की जगह तो जब मैं लेने गया ना तो उस गाड़ी के आगे पीछे शोरूम गाड़ी में खड़ी हुई मैं गाड़ी के आगे वाला बम्पर और पीछे वाला बम्पर दोनों पेंट करके गाड़ी को खड़ा किया गया था तो मैंने कहा यार ये गाड़ी मैं नहीं लेने जा रहा हूँ शोरूम में और गाड़ी ऑलरेडी पहले से ही पेंटेड है तो गाड़ी कौन लेगा फिर ऐसे तो फिर वही सब दुनिया भर के मेल वेल मैंने किए ट्विटर पर डाला मैंने कहा कि यार मैं कन्वर्ट अगर हो गया आपकी गाड़ी लेने के लिए बट आपकी गाड़ी यहाँ तक आते आते इस कंडीशन में हो रही है कि इसको दो बार पेंट किया जा रहा है तो आदमी कैसे लेगा तो मैंने कहा भैया चलो प्रोडक्ट अच्छा है बट सर्विस के मामले में अभी भी बहुत उनको काम करने की ज़रूरत है तो फिर टाटा भी छोड़ दी फिर आ गया मैं होंडा पे मैंने कहा नहीं यार फिर मैं आ गया हिंडे पे फिर मैंने वेन्यू उठाई

ये अच्छी चीज है कि आपको गाड़ी यहाँ पे मिल जाती है दे जाते हैं क्योंकि एक तो टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है मेरे को क्योंकि ये रेडियो का काम ऐसा है कि अगर आपका शो है तो शो है बारिश हो रही हो चाहे सर्दियां हो चाहे कुछ हो आपको जाना है अब उसके बीच में एक आपका टाइम ऐसा हो होगी आपको गाड़ी देनी सर्विस के लिए तो आप फिर वो टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है सबसे वो मेरे ख्याल से सभी सभी ब्रांड्स आजकल यही कर रहे हैं कि आपको पिक एंड ड्रॉप प्रोवाइड कराते हैं बस ये है कि नई गाड़ी है तो अभी इतनी चीजें आई नहीं बाकी अगर आगे चल के कुछ होगा चलाने में कैसी लग रही है गाड़ी

अगर ओवरटेक गाड़ी को करना है तो आपको गियर नीचे नहीं करने पड़ते थे आप बस थ्रोटल प्रेस करो और गाड़ी आपको उठा के ले जाती थी इतनी होने के बावजूद होंडा का पिकअप भी नो डाउट बहुत अच्छा है बट तो उसका कंपैरिजन नहीं है वो अपनी जगह है वो अपनी। अब ये भी देखो ना कि उस गाड़ी का रेट और इस गाड़ी के रेट में तो काफी है? ये चीज है लेकिन नहीं है पूरी तरीके से नहीं क्योंकि ये एक वो वैसी गाड़ी थी यार की कोई ऑप्शन था नहीं मेरे पास ये ये प्रॉब्लम थी मेरे लिए और इसका कोई मतलब ये एक ऐसा आदमी होता ना कि यार नहीं 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 करते करते फिर आप बोलो हाँ चलो ठीक है चल लाओ दे दो तो मैं मैंने इसके बहुत सारे मैं कोशिश कर रहा था कि इसका कोई मुझे नेगेटिव पॉइंट मिले बताए कोई आदमी बट मेरे को ऐसा होंडा सिटी का कोई भी नेगेटिव बोलने वाला नहीं मिला कुछ ऐसे लोग हैं जो 20-20 साल से होंडा सिटी बेचकर फिर होंडा सिटी ले लेते कई ऐसे डॉक्टर फैमिलीज हैं जिनके पास ऑलरेडी पुरानी वाली होंडा सिटी थी उस जमाने वाली हुँ, जो एक बड़ी ब्रॉड सी वो एक आती थी बड़ी नीचे जेडेक्स से भी वो एक तो डॉल्फिन वाला मॉडल आता था उससे पहले आती थी एक लंबी वाली

बस वही टाइम का मामला यार कि मेरे पास कभी उनकी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं कि नहीं पार्ट ऑफ लेवल नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं, नहीं। कुछ नहीं हुआ बस मेरे को मैं उसको एक अच्छी याद की तरह लगा के बैठा <laughs> गाड़ी में कि मैं दिखा सकूं जैसे आपको भी मैंने दिखाया कि वो एक्चुअली एक भाई साहब ने घूसा मारा था इसी प्रांग के दौरान तो पहले उसने कांच पे मारा तो और कुछ घड़ी बड़ी होती तो शायद हो सकता है टूट जाता ये भी बट ये टूटा नहीं तो उसने दूसरा यहाँ पर मारा तो मुझे वो दिखा पंद्रह बीस दिन के बाद जब मैं ड्राइवर सीट छोड़ के उधर बैठा तो जब उधर बैठा तो फिर अब ये कि मैंने उसके उसके बाद मैंने लोगों को दिखाया कि ये देखो यही वो जगह है जहा पे तो एक मेरे को अच्छा लगता है वो स्वीट मेमोरी में, में आके वो जुड़ गया है टूटा हुआ है तो अच्छी चीज के लिए टूटा की बता सकते हैं तो बिल्ड क्वालिटी से आप यार अब घुसा तो कोई भी किसी के मार देगा टूट जाएगी चाहे स्कॉडा <laughs> हो चाहे कुछ हो ना बिल्ड क्वालिटी नो डाउट मैं वही बोल रहा बोला कंपैरिजन नहीं है स्कॉडा के साथ और इसका दोनों का कंपैरिजन नहीं है

एक सर हमेशा भी भी अच्छा। में में तो रहती है तो लगता है, कि यार ये है यार गाड़ी यार ये तो एक वो बचपन से रहता है ना मतलब बचपन से एक दिमाग में रहता है लंबी गाड़ी लंबी गाड़ी लंबी गाड़ी सिखाया जाता है मेरे ख्याल से मैं उससे शायद अभी उठ नहीं पाया हूँ उसी में चल रहा है लंबी गाड़ी लंबी गाड़ी लंबी गाड़ी आपको याद होगा एक बहुत पहले सोनाटा गोल्ड आया करती है तो वो उस टाइम पे शायद सोलह सत्रह लाख के आसपास थी और हम लोग सपना देखा करते थे कि यार ये होती है गाड़ी सोनाटा गोल्ड यहाँ से शुरू हो रही है वहां तक खत्म ही नहीं हो रही है और अब जब वो गाड़ी देखते हैं तो लगता है यार तो ये देखते आपकी सर पहली कार मैंने चलाई थी यार हमारे असल में फैमिली में हमारे मौसा जी मौसी हैं जिनके पास उस जमाने में गाड़ियां हुआ करती थी सबसे पहली गाड़ी जिनके पास फीएट फीएट तक तो मैं बहुत छोटा था मैं नहीं चला पाता था फीएट के बाद उन्होंने खरीदी थी एट हंड्रेड एट हंड्रेड के बाद वो लेकर आए थे मारुति जेन पहला वाला मॉडल मारुति जेन तक मैं इतना बड़ा हो गया था मेरे ख्याल से तेरह चौदह साल का था कि मेरे को अकल थी कि हाँ कैसे क्या होता है तो थोड़े मैंने अकेले हाथ पैर मारना तो मैं कार खुद ही चलाना सीखा था अकेले किसी ने मेरे को सिखाई नहीं थी बाइक मैंने सीखी है स्कूटर मैंने सीखा है कार मैं खुद ही सीखा था क्योंकि मैं बस बैठ के बच्चों की तरह वो फर्स्ट गियर सेकंड गियर यही सब किया करता था पूरा टाइम तो महीनों तक यही करता था फिर एक दिन मैं सेल्फ लेके थोड़ा सा आगे करी थोड़ा सा पीछे करी खड़ी कर दी फिर एक दिन थोड़ा एक चले गए घर में पता नहीं होता था कि बाहर गाड़ी के साथ ही हो रहा है तो ऐसे करते करते मैं सीख गया था तो आपकी पहली कार कौन सी थी सर मेरी पहली कार थी मैंने सेकेंड हैंड कार खरीदी थी पहली मैं जा रहा था बुलेट लेने

एसेंट, क्योंकि थी? एसेंट, थी। एसेंट, एसेंट, हाँ, एसेंट एसेंट थी। एसेंट थी। एसेंट पुरानी आती थी एसेंट थी थी Hyundai Ascent मैंने ली थी 2011 में अपनी पहली गाड़ी जब मैं बुलेट लेने जा रहा था उस टाइम बुलेट आ रही थी शायद लाख हजार या एक लाख ग्यारह की बुलेट थी तो मेरे एक दो दोस्तों ने बोला कि पागल हो बुलेट खरीदोगे सर्दी पे वही चलाओगे वो करके कार खरीद लो इतने में तो कार इतने में आएगी तो बोला सेकंड कार आ जाती है तो फिर मेरे घर पे भी नहीं पता था कि मैं कार लेकर आ रहा हूँ तो उनको लग रहा था कि ये बाइक लेकर आएगा बाइक ले फिर मम्मी को मैंने बोला मैंने कहा मम्मी गेट खोलो

फिर धीरे धीरे अपडेट करते रहे करते रहे करते रहे करते तो ओवरऑल सेडान लवर हैं या। हाँ यार मेरे को सेडान से प्यार है पता नहीं क्यों बड़ी ना? बात है आज के टाइम में सेडान से प्यार करना क्योंकि हाँ, मेरा शुरू से है वो प्यार मतलब मेरे को कोई बोले ना कि बड़ी ऊंची गाड़ी मेरे को एक टाइम के लिए तो ठीक लगता है बट फिर मेरे को लगता नहीं यार मेरे को वो कम्फर्ट और एक वो जो अंदर से फील आता है ना बैठने के बाद वो मेरे को सेडान भी मस्त लगता है आपकी एसेसरी की चॉइस तो पूरे कंपनी वाली है मेरे हिसाब से आप आफ्टर मार्केट तो कोई काम नहीं कराते यार आफ्टर मार्केट शुरू शुरू में कराते थे जब नई गाड़ी थी मेरे पास बट उसके बाद फिर मैंने देखा कि ऑलरेडी एक गाड़ी को आप ये देखो कि आप बहुत सारे इंजीनियर्स बना रहे हैं उस पर आप उसको कलर भी खुद से पसंद कर रहे हो फिर आप उसको एक ऐसी मार्केट में लाके खड़ा कर देते हो जहाँ पे सब उसकी शक्ल ही बदल देते हो <laughs> तो उसका बेनिफिट क्या हुआ मेरे को समझ भी नहीं आया आज तक मतलब एक गाड़ी को इतना इतनी कोशिश करके एक कंपनी ने एक ब्रांड ने आपके लिए तैयार किया है फिर वो गाड़ी आपको पसंद आई है फिर आप उसको लेकर आए फिर आपने हड़ा ये भी हटाओ ये भी हटाओ रैप करा दो ये करा दो उसका कलर चेंज कर दो पूरा दो। फिर मेरे को लगता है यार ये ये क्या कर दिया ये क्यों किया मैंने तो या तो मेरे को पहले से वो गाड़ी पसंद ना हो और मैं सोचूँ कि नहीं यार ये मेरे को वाइट कलर की खरीदनी है शोरूम से खरीदूंगा फिर मैं इसको ब्लैक करवा दूंगा तब तो मेरे को समझ में आता है कि हाँ मैंने करवाना ही है बट उसका कोई बेनिफिट नहीं ना आप ऑलरेडी उस गाड़ी पे दस जगह दिमाग लगा के लेकर आ रहे हो अब जैसे ओण्डा सिटी का ये वाइट कलर मेरे को चाहिए था स्कॉटा भी मेरे पास व्हाइट कलर की थी इससे पहले मेरे पास ब्लैक गाड़ी भी थी क्या मेरे पास थी ब्लैक कलर की ऑल्टिस ऑल्टिस ग्रे थी सॉरी करोला ब्लैक थी मेरे पास तो जब ब्लैक करोला थी तो उसका मेंटेनेंस बहुत तगड़ा था ब्लैक कलर का हालांकि जब वो साफ सुथरी होकर आती थी तो वैसी कोई गाड़ी दिखती नहीं थी ब्लैक गाड़ी बट

एक ऐसी चीज होती है ना कि आप बया नहीं कर पाते हो ना तो पापा को बोल पाते हो <laughs> क्योंकि वो ऐसी अंडरस्टैंडिंग रही नहीं है पापा के साथ एकदम खुल के हाँ पापा कैसा लग रहा है करके तो बस मैंने पापा से बोला था पापा बैठो यार एक चक्कर लगा के तो मैंने इतना ओपन होके बोला नहीं उनसे बट वो होता ना कि आप ऐसे चला रहे हो तो गाड़ी में तो लग रहा था अरे यार पापा को बगल में बैठाया हो तो वो बहुत अमेजिंग फीलिंग थी यार वो बया नहीं कर सकते वो हर एक मेरे ख्याल से माँ बाप का सपना होता है कि उनका लड़का ऐसी चीजें घर पर लेके आए घुमाए उनको साथ में तो बहुत बहुत आज भी कभी बैठते हैं तो फील आते हो वाला होंडा सिटी में कभी कुछ आज जब पापा साथ में बैठते हैं हाँ, पापा साथ में बैठते हैं तो कैसा लगता है पापा अब तो बड़ा कॉमन हो गया नॉर्मल हो गया तो कर... भी कभी गाड़ी आती थी ना तो आ, मतलब मेरी आदत है कि मैं उन्हीं लोगों को बैठाता हूँ पहले क्यूँकी वही लोग बैठ के देखते वही बताते बैठने में ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है वो वाली ठीक है ऐसी ठीक थी तो उनकी राय ले लेते हैं करते अपनी मर्जी की है उनसे पूछ लेते हैं ताकि उनको ये लगे हमसे पूछ रहा है कि ऐसा ना हो कि यार बिना पूछे आ, कुछ भी कर दिया ऐसा करके तो उनको बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यार चीजें आ रही हैं घर पे और किसी को भी अच्छा लगेगा किसी फैमिली को अच्छा लगेगा